हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सभी दोस्त अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आऊँ दोस्तों ग्लो एंड लवली और पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी क्रीम का रिव्यू, और साथ में इन दोनों को हम कंपेयर भी करेंगे, क्योंकि हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर है या हमारे जो नए व्यूवर्स है, तो काफ़ी के कमेंट्स आए थे कि जो अपनी ग्लो एंड लवली है और जो पॉन्ड्स की जो ब्राइट ब्यूटी क्रीम है, दोनों को कंपेयर करो, दोनों का प्राइस कंपेयर करो, दोनों की क्वालिटी कंपेयर करो। तो फाइनली मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। तो इसी बात पे आप वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर दो प्लीज़, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना। दोनों ही दोस्तों अभी नई है, पहले क्योंकि ये फेयर एंड लवली के नाम से आती थी, ये पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी के नाम से आती थी। दोनों के नाम चेंज हो चुके हैं। और अब बात करता हूँ इसकी क्वांटिटी की। पॉन्ड्स की जो ब्राइट ब्यूटी है वो है 15 ग्राम। 15 ग्राम की जो क्वांटिटी का प्राइस है वो रहता है 42 रुपीज़, लेकिन 50 था पहले, अब इस पर कुछ ऑफर चला रखा कंपनी ने, तो 8 रुपये का आपको इस पर डिस्काउंट मिलेगा। और जो ग्लो एंड लवली जो क्रीम है वो अपनी मिलती है दोस्तों 58 रुपीज़ की, और इसकी जो क्वांटिटी वो रहने वाली है 25 ग्राम, ठीक है ना। तो प्राइजिंग थोड़ा सा अकॉर्डिंग हम बात करें तो पॉन्ड्स की जो आपको क्रीम है थोड़ी सी आपको महंगी पड़ेगी ग्लो एंड लवली क्रीम से, ठीक है। और पैकिंग कुछ इस तरीके से है, ये आपको मैं आपको बता देता हूँ। पॉन्ड्स की जो ब्राइट ब्यूटी क्रीम है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, ठीक है। और अपनी ग्लो एंड लवली है वो अपनी जो है ट्यूब फॉर्म में मिलती है, ठीक है। कुछ इस तरीके से दिखाई देती है दोनों क्रीम अंदर से। अगर आप थोड़ा बहुत देखो तो इसमें आपकी जो पैकिंग है थोड़ी सी अच्छी इसमें मिलती है पॉन्ड्स की ब्राइट ब्यूटी में, और आपको थोड़ी सी हल्की पैकिंग में ज़्यादा क्रीम आपको ग्लो एंड लवली मिलती है। अब आप देख सकते हो दोस्तों, आपको पैकिंग अच्छी चाहिए या आपको क्रीम ज़्यादा चाहिए, आप देख सकते हो। दो एक तो कंपेयर ही हो गया। और जैसे ही हम बात करते हैं इसकी फ्रेगनेंस की, पॉन्ड्स की जो ब्राइट ब्यूटी है इसमें आपको एक हल्की सी मतलब लाइट फ्रेगनेंस से एकदम आपको लाइट सी महसूस होगा, हार्ड महसूस होगी, ठीक है ना। और दोनों ही जो क्रीम है और फ्रेगनेंस की बात करें तो दोनों ही की जो फ्रेगनेंस है वो लाइट देखने को मिलती है। अब बात करता हूँ इसकी क्वांटिटी की। इधर हमने ये है जो पॉन्ड्स की ब्राइट ब्यूटी है वो हमने लगाई है, और इधर हमने फेयर एंड लवली लगाई है। अब दोनों को कंपेयर करेगी कौन सी क्रीम का मॉइस्चर जो है ज़्यादा है और कौन सी जो है थोड़ा सा वाइट ग्लो देती है अपनी स्किन पे। थोड़ा सा मैंने मिक्सअप कर लिया दोस्तों। तो जैसे ही मैं इसको रब कर रहा हूँ दोस्तों, जो फेयर एंड लवली है वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो गई है अपनी स्किन में, और पॉन्ड्स भी ऐसे ही हो गई है दोस्तों। लेकिन जो पॉन्ड्स की ब्राइट ब्यूटी है वो आपकी स्किन पे थोड़ा सा वाइट वाइट सा टेक्सचर देगी, लेकिन जो फेयर एंड लवली है वो आपकी स्किन में जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। ये थे कुछ इसके डिफरेंस दोस्तों। बाकी दोनों ही की जो फ्रेगनेंस है वो थोड़ी सी लाइट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, और ग्लो एंड लवली है उसकी भी जो फ्रेगनेंस है थोड़ी सी लाइट ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है कि आपको डिस्टर्ब करेगी, ठीक है। और पैकिंग दोनों की अलग है, ये अपना बॉक्स वाले डब्बे में आती है, ये लंबी सी ट्यूब के डब्बे में आती है, ठीक है। और ऐसी कुछ रहने वाली है दोनों क्रीम। मैंने आपको प्राइस बता दिया इसकी, आपकी क्वांटिटी बता दी। दोनों ही हिंदुस्तानी यूनिलीवर का प्रोडक्ट है दोस्तों, ठीक है। और अब बात करते थोड़ी सी इसकी इंग्रेडिएंट की। जो दोस्त नज़र डालना चाहते हो इंग्रेडिएंट पे वो नज़र डाल सकते हैं। अपनी जो फेयर एंड लवली के इंग्रेडिएंट है ये कुछ इस तरीके से है। वीडियो को रोक के स्किप करके तो आप आसानी से आप देख पाओगे। ये थी दोस्तों पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी और ग्लो एंड लवली क्रीम से रिलेटेड वीडियो। दोनों का मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो नीचे आपके लिए मैंने ऑन कर रखा कमेंट्स बॉक्स, वहाँ पे आपकी हेल्प जरूर करूँगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। लव यू ऑल, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।